हेलो एवरीवन, तो आज से पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट हो गए हैं जो कि 5 सितंबर तक करवाए जाएंगे। समर ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों ही 2020 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर करवाए जाने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको 2021 के अंदर करवाया गया है और पैरालंपिक आज से शुरू हुए हैं। 5 सितंबर तक ये चलेंगे। पैरा ओलंपिक इसलिए करवाए जाते हैं ताकि जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जो डिसेबल्ड एथलीट्स हैं, वो भी खेल के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, उनको भी मौका मिल सके। जितने भी इस तरह के प्लेयर्स हैं जिनको कोई ना कोई डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है, वही इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब की बार पैरा ओलंपिक्स में 163 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें टोटल 4,500 से भी ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। टोटल 539 इवेंट्स हैं इनके अंदर और 22 स्पोर्ट्स हैं। तो नेक्स्ट इज फर्स्ट पैरालंपिक 1960 में रोम के अंदर करवाए गए थे, जिसके अंदर सिर्फ 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अब जो टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स हैं, इनके अंदर 4,500 से भी ज़्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। फादर ऑफ पैरालंपिक्स सर लुडविंग गटमैन, ये पैरालंपिक के पितामह माने जाते हैं। आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जिस तरह से समर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करवाने का काम आईओसी का है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, इसी तरह पैरालंपिक्स को ऑर्गेनाइज करवाने का काम आईपीसी का है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी पैरालंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। इनको प्रमोट करना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसेबल्ड एथलीट हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना कि वो भी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सके बिना किसी भेदभाव के। तो नेक्स्ट है आईपीसी, इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1989 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर जर्मनी में है और 176 नेशनल पैरालंपिक कमेटी इसके अंडर मेंबरशिप में है। जैसे जितने भी कंट्रीज़ पैरालंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी एक राष्ट्रीय संगठन या फिर राष्ट्रीय फेडरेशन होती है जो कि इसके मेंबर्स हैं 176। तो आईपीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन। इसके प्रेजिडेंट हैं एंड्रिव पर्सन्स। सो नेक्स्ट इज मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक्स, क्या पैरालंपिक्स का क्या उद्देश्य है, क्या इसका एम है। स्प्रिट इन मोशन, इसका मतलब है जितने भी पैरालंपियंस हैं, जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना ताकि कोई गिव अप ना करे, उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेशन देना। ये मोटो 2004 के अंदर डिसाइड किया गया था। सो नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ पैरालंपिक्स, इसका पहले सिंबल इस तरह का था जो येलो, ग्रीन और रेड, लेकिन अभी जो 2004 के बाद जो सिंबल डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह का है, जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन कलर है। ये कलर इसलिए डिसाइड किए गए हैं क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के अंदर फ्लैग्स हैं, नेशनल फ्लैग्स हैं, उनमें रेड, ब्लू और ग्रीन कलर कॉमन होता है। सो नेक्स्ट इज इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक 2021। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ये डिसाइड करती है कि इंडिया से कौन कौन पैरालंपियन जो है पैरालंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उसको एक सिस्टमेटिक मैनर से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का काम पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का है। तो अब की बार टोटल 54 एथलीट्स हैं 9 स्पोर्ट्स के अंदर, जिसमें फ्लैग बेरियर है मारेपान थंगावेलू। ये भारत के पैरालंपियन हैं जिन्होंने 2016 के अंदर हाई जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इनको अभी तक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 के अंदर दिया गया है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो नेक्स्ट है टोटल 54 एथलीट्स भारत से जाएंगे, जिसमें 40 मेल है, 14 फीमेल है। एथलेटिक्स के अंदर 24, आर्चरी में 5, बैडमिंटन में 7, शूटिंग में 10, स्विमिंग में 2, पावर लिफ्टिंग में 2, टेबल टेनिस में 2, पैराकेनियन में 1 और टाइकमांडो में 1। ये सभी एथलीट्स भारत से हैं जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो एथलेटिक्स के अंदर डिस्कस थ्रो इवेंट में से अमित कुमार सरोहा, धर्मवीर नैन, विनोद कुमार, योगेश कथुनिया,
ये चार डिस्कस थ्रोअर्स हैं। और नेक्स्ट है हाई जंप, तो हाई जंप में निशित कुमार, रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु, शरद कुमार, वरुण सिंह भाटी और प्रवीण कुमार, ये सभी हाई जंपर्स हैं। नेक्स्ट इवेंट है जेवलिन थ्रो, तो जेवलिन थ्रो के अंदर नवदीप सिंह, सुधर सिंह गुर्जार, अजीत सिंह, देवेंद्र झांझरा, तेग चंद, रंजीत भाटी, संदीप चौधरी, सुमित अंतिल, ये सभी जेवलिन थ्रोअर्स हैं। नेक्स्ट इवेंट है शॉट पुट, शॉट पुट के अंदर अरविंद मलिक, सोनम राणा और भाग्यश्री मद्दावराई जाधव, ये सभी शॉट पुटर्स हैं। और 100 मीटर के अंदर एक है सिमरन शर्मा। नेक्स्ट इवेंट है क्लब थ्रो, इसमें कशिश लाकरा और एकता भयान, ये दो पैरोलंपियंस है। नेक्स्ट इवेंट है आर्चरी, आर्चरी के अंदर 4 मेल है 1 फीमेल है। तो मेल्स में है हरविंदर सिंह, विवेक छिकारा और राकेश कुमार और श्याम सुंदर स्वामी, ये चार पैरोलंपियंस आर्चरी के हैं। और वुमेन्स के अंदर है ज्योति बालियान। सो नेक्स्ट इवेंट है बैडमिंटन, बैडमिंटन से प्रमोद भगत, मनोज सरकार, तरुण ढिलोन, सुहास लालनकरे, यतिराज। नेक्स्ट है पारुल परमार और पलक कोहली, ये सभी बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं। सो नेक्स्ट है शूटिंग, शूटिंग में मनीष नरवाल, दीपेंद्र सिंह, स्वरूप महावीर, दीपक सैनी, दीपक नैन, रुबीना अवानी, राहुल जाकर, सिद्धार्थ बाबू और आकाश कुमार, ये सभी शूटिंग के अंदर है। तो नेक्स्ट है स्विमिंग, स्विमिंग के अंदर है निरंजन मुकंदन और सुयेश जाधव, ये दो एथलीट स्विमिंग के हैं। नेक्स्ट है पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में है जयदीप देसवाल जो कि 65 kg वेट कैटेगरी में है। नेक्स्ट है सकीना खातून जो कि 50 kg वुमेन्स कैटेगरी के अंदर है। नेक्स्ट इवेंट है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में है सोनल पटेल और भावना पटेल, टाई कमांडो, इनके अंदर से भी एक एक पैरोलंपियन गया है। तो एक है प्राची जाधव और टाई कमांडो के अंदर है अरुणा तनवर। तो ये सभी एथलीट्स जो हैं भारत की तरफ से टोक्यो पैरोलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।